नेक्स्ट हमारे पास कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में प्रॉपर्टी होती है जो बताते हैं कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। जैसे शहद ले लेते हैं हम, वाटर से ज्यादा गाढ़ा अपने उसमें, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इसको मापने का पैमाना होता है, तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। इसका सिंबल जो होता है इटा से हम डिनोट करते हैं इसको, और इसका यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो ज्यादा ईजी रहेगा। वैसे इसको मेजरमेंट करने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो आप इसमें। फोर्स के लिए हमारे पास है एम वन एल वन टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए लेंथ पे डिपेंड करता है एल वन, ठीक है, और एरिया के लिए एल टू। डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होता है हमारे पास, एल वन टी माइनस वन। तो इन सबको सोल्व करेंगे हम। पावर सेम है, मास देखिए मास वन है सिर्फ, लेंथ वन प्लस वन टू, टू थ्री माइनस नीचे से टू माइनस थ्री ऊपर आ जाएगा, टी माइनस टू नीचे वाला ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस तो ये आ जाएगा आपके पास एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जैसे कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस एरिया वेलोसिटी निकालना, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। एसआई यूनिट आपको निकालनी है इसकी। एसआई यूनिट के लिए मास की वैल्यू, मास को मेजर करते किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, मीटर इनवर्स, और टाइम को सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से एसआई सिस्टम की यूनिट हुई है हमारे पास। सीजी सिस्टम की यूनिट ग्राम, मास को ग्राम में मेजर करोगे, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकेंड में, सीजीए सिस्टम की यूनिट। वन मोर, एक और ले लेते हैं लास्ट, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, सिलेबस में तो नहीं दे रखी है, बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से हम डिनोट करते हैं। जैसे मास हमारे पास रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, उसी तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशंस में रोल प्ले करता है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन, मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, यानी जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए ये मूव कर रहा है रिजिड बॉडी आपका इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका जो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ वेरिएशंस। है तो ये डिस्टेंस ही ना, तो इसको हम के से डिनोट करते हैं, तो इसका स्केयर ले लेते हैं। तो अभी आपने डेफिनेशंस नहीं करनी, सिर्फ आपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद करना। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, मास के लिए एम वन, और ये एक तरह से डिस्टेंस ही ना, रेडियस ऑफ वेरिएशंस, तो लेंथ का पावर टू। सो एम वन एल टू टी जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एसआई सिस्टम की डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा एम वन एल टू टी जीरो। एसआई सिस्टम की यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस तरीके से सीजीए सिस्टम की यूनिट क्या रहेगी, एसआई सिस्टम की यूनिट होगी। सीजीएस की आपके पास मास की जगह पे ग्राम, लेंथ की जगह पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके पास सीजीए सिस्टम की यूनिट रहेगी।